की पले रखे राजनीति यह कहती अपने धियां की पत्त लवा के तुम सारा कुछ अपना वेच दो पीले परने जिन्हों जिन्हों मर्जी देने ने केसरी परने एक केसरी परने की वैल्यू है सारा सरपंच वार के गुरु गोबिंद सिंह ने केसरी परना दिता तो तुम कितने रोल दिता किरपाना कितने रोल दे मैं कीर्तन नहीं करना सी आज मैं माफ करना परचोल करो तुम की किया मैं अपना कीर्तन करके अपने टाइम से अपना इंदौर छड़ जाना ये हूँ तुम परचोल करो जे मैं गलत हाँ मैनू रब भुगतेगा जे तुम गलत हो गुरु नानक तुहानू देखे सत बचन आप जी दे बोले सो निहाल तक जगारा छड़ के सब लोगों ने बोले सो निहाल नहीं जगारा नहीं छड़ना खुश कर दो जगारा नहीं छड़ना मैं कीर्तन करूँगा गुरु नानक जगारा जगारे का अर्थ समझो पहले असी सारे भाई मनप्रीत सिंह जी शाबाश दें और सारे प्रबंधकों की निखेधी भी करते हैं और प्रबंधकों ताड़ना भी करते हैं क्योंकि कुछ चापलूस प्रबंधकों करके एक उन्होंने सिर पर दस्तार बनी होंगी है तो बहुत ज़्यादा भारी बदनामी होंगी है गुरु के कीर्तन के खलल पैंदा है खास तौर पर एक ताड़ना वाली अपील करते हैं कि तुसी बाज आ जाओ तुसी लुकवें तरीकों के नाल एक कातल लोगों को सन्मान दे के तुसी सिख कौम के हिरदियां नूं मूंदर दे जे कि तुसी जरूर इन्हां गल्लां वल ध्यान रख्या करो भाई मनप्रीत सिंह नूं विश्वास दवाने आ कि असीं तुहाडे नाल आ जिथे भी साडी लोड़ होई तुहाडे नाल खड़ांगे गुरु प्यारी साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु जी की बाणी का महावाक है जयकार कियो धर्मिया का पापी को डांड दियो है सतसंग जी जो पिछले दिनी इंदौर शहर विच जो कारा होया वो आप सबनों पता लग ही चुका है उहदा क्योंकि असी विदेश की धरती ते दूर बैठे हुए हैं और सानू जदों ही पता लगा असी उस वक्त आप जी दे सन्मुख अपनी बेनती लेके हाजिर हुए हैं सतसंग जी जिन्हां लोगों ने सिख कौम के गलों में टायर पा के कतलेआम किया अज कुछ चापलूस प्रबंधकों ने उन्होंने गलों में सरोपे दे के उन्होंने नवाजिया जिहड़ा कि बहुत गलत सीगा जिसकी आवाज़ सत्कारयोग भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी जी ने उठाई और ऐसी आवाज़ उठाई कि मेरा नहीं ख्याल कि देश के किसी कोने में इस गल का पता नहीं लगा होएगा जिन्ना कि संगत ने उस वीडियो नू शेयर किया जिवें ही साढ़े पास पहुंची साडा भी मन किया कि असी भाई साहब जी नू शाबाश देिए और इत्थे मेरे नाल सिंह साहब ज्ञानी हरदेव सिंह जी गुरद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली तो जो विशेष तौर पर इस वक्त आस्ट्रेलिया दे विच हैड ग्रंथी की सेवा निभा रहे हैं गुरद्वारा ग्लैनवुड सिडनी दे विच ते दास भी इत्थे सेवा निभाने वास्ते कुछ समय लिया है और मेरे नाल भाई साहब भाई मेजर सिंह जी आलमगीर लुधियाणा तो और उन्होंने नाल ही भाई कुलदीप सिंह जी भी खड़े साढ़े सारे दे मन में यह गल आई कि यह बहुत गलत होया और असी सारे भाई मनप्रीत सिंह जी नूं शाबाश दिंदे आ और सारे प्रबंधकों की निखेधी भी करते हैं और प्रबंधकों नूं ताड़ना भी करते हैं क्योंकि कुछ चापलूस प्रबंधकों करके क्योंकि उन्होंने सिर पर दस्तार बनी होंदी है तो बहुत ज़्यादा भारी बदनामी होंदी है गुरु के कीर्तन के खलल पैंदा है असी सारे आस्ट्रेलिया की धरती तो सारे प्रबंधकों नूं एक खास तौर पर एक ताड़ना वाली अपील करते हैं कि तुसीं बाज आ जाओ तुसी लुकवें तरीकों के नाल एक कातल लोगों को सन्मानित दे के तुसी सिख कौम के हिरदियां नूं विलूंदर दे जे ते तुसी जरूर इन्हां गल्लां वल ध्यान रख्या करो ताकि आने वाले समय में इदां दा कोई फिर दोबारा कांड ना होवे ते भाई मनप्रीत सिंह नूं विश्वास दवाने आ कि असीं तुहाडे नाल आ जिथे भी साडी लोड़ होई तुहाडे नाल खड़ांगे हुण मैं बेनती करांगा भाई साहब भाई हरदेव सिंह जी नूं ओह भी दो शब्द जरूर अपने नाल सांझे करन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु प्यारी सतसंग जी जिवें भाई साहब उन्होंने बेनती की है बहुत ही सानू इस पासे ध्यान देने की लोड़ है और मैं भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी उन्होंने इस गलों शाबाश दिना कि उन्होंने बड़ी दृढ़ता दे नाल योग समय से बहुत बार की होंदा सानू योग समय से योग फैसला नहीं असी कर पाते उन्हां ते सतगुरु साहब जी ने कृपा की योग समय से योग उन्होंने फैसला करके ते जो चापलूस प्रबंधकों के वलों
लुकवें तरीके दे नाल जिहड़े कौम दे कातल ने उन्हां नू सन्मान करके इस तरीके दे नाल उन्हां दी चापलूसी कीती जिहनूं कौम कदी भी बर्दाश्त नहीं करदी। कौम दे हिरदे वलूंदरे जांदे ने जदों कातलां नू आपां स्टेजां ते धार्मिक स्टेजां ते बुला के उन्हां नू सिरोपाओ दिंदे आ। सो मैं मनप्रीत सिंह जी कानपुरी भाई साहिब उन्हां नू बार बार यही उन्हां नू साडा ते शाबाश ही कहना फर्ज़ बनदा क्योंकि असीं दूर हैं पर असीं अपणियां भावनावां उन्हां दे नाल शेयर करदे होए कि भाई साहब जी असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ। जिवें तुसीं दृढ़ता दे नाल उस समय यह फैसला लिया आने वाले समय में भी सतगुरु जी कृपा करन तुसीं इस तरह दृढ़ता दे नाल सिधांतां ते पहरा दिंदे रहो ते कौम की सेवा करते रहो। प्रबंधक जनां नूं जरूर बेनती करांगे कि भाई एक पासे असीं कहने आ कि सानूं इंसाफ नहीं मिलिया ते दूसरे पासे जिन्हां नूं असीं कातल कहने आ उन्हां नूं अपनी धार्मिक स्टेज ते लिया के जदों सन्मान करदे आ ते जरूर ही किसी ना किसी लुकवें तरीके दे नाल असीं उन्हां नूं बेदोषे साबित करन दी कोशिश करदे आ कि ना कीती जाए जिन्ना चिर ये केस चलदे ने कोर्ट कचहरियां इंसाफ क्योंकि अखीरले सवास दम तक कौम ने इन्हां जुल्मां दा जिहड़ा है ना वो जिहड़ा हक लैना है ते उहदे ते असीं इंसाफ लैना ते इंसाफ ते तां ही होएगा ना जी जे असीं सारे जणे रल के उन्हां जिन्हां जिहड़े भी गिल्टी ने दोषी ने उन्हां नूं इह ना साबित करिए कि इह चंगे गुरु कृपा करे। सानूं सारिआं नूं समझण दी लोड़ है और वह गुरद्वारा रकाबगंज साहिब जिथे बहुत वड्डी गिणती दे विच मौब चढ़ के आया ते ऐसे लोकां ने उन्हां दी अगवाई कीती आपां की सोच के उन्हां नूं अपने गुरु साहिब दी स्टेज ते सन्मानित करदे इह जरूर चिंता दा विशा सानूं समझना चाहिए और संगत नूं भी इस पास्यों जरूर सुचेत रहना चाहिए। एक बार फिर भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी उन्हां दे लए स्टैंड दी असीं भरपूर शलाघा करते हाँ। गुरु कृपा करे वह सदा चढ़ती कला वे सिधांतां ते पहरा दे के कौम की सेवा करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।